हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 3 मई 2019 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है और इसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस सहित कई न्यूज़पेपर और पीबी रिपोर्ट्स के एनालिसिस से तैयार किया गया है। आज थोड़ी देर हो गई है, 6 बजे मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लाइव नहीं हो पाया, देर हो गई है। कल से टाइम पे 6 बजे सुबह आपको वीडियो मिल जाया करेगा। आप इसका इंतजार मत करना कि नोटिफिकेशन आया या नहीं। ओके, तो शुरू करते हैं और आप लाइक बटन जरूर दबाना। नीचे क्वेश्चन होगा, इसरो ने मिशन चंद्रयान 2 को कब लॉन्च करने की योजना बनाई है? उम्मीद की जा रही कि ये जो लेटेस्ट डेट तय किया गया है वो फाइनल होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 9 से 16 जुलाई 2019। ओके, इसरो ने बयान जारी किया है, ट्वीट किया है और कहा है कि मिशन चंद्रयान 2 को 9 से 16 जुलाई के बीच में लॉन्च किया जाएगा। ये भारत की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। चंद्रयान 2 के चंद्रमा के सतह पर 7 सितंबर को उतरने की संभावना है। अभी टेंटेटिव डेट है कि 7 सितंबर को उतर सकता है। और इसमें 3 मॉड्यूल होंगे, यानी 3 तरह के चीज़ें होंगी। एक का नाम है ऑर्बिटर, दूसरा है लैंडर विक्रम, लैंडर का नाम है विक्रम, और रोवर है उसका नाम है प्रज्ञान। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। लैंडर का क्या नाम है? तो विक्रम। रोवर का क्या नाम है? तो प्रज्ञान। ठीक है, इस बारे में आगे मैं बताता हूँ क्या क्या करेगा। देखिए, इस प्रोजेक्ट की जो लागत है वो 800 करोड़ रुपए है और मिशन अगर सफल हुआ तो अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत चांद पर रोवर उतारने वाला 4th देश बन जाएगा। चंद्रयान 2 को इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट GSLV Mark 3 से लॉन्च किया जाएगा और फिर उसे चांद की कक्षा में पहुंचाया जाएगा। करीब 55 दिन बाद चंद्रयान 2 चांद की कक्षा में पहुंचेगा। ओके, उसके बाद लैंडर जो है वो चांद की सतह पर उतरेगा, जिसका नाम मैंने आपको बताया अभी। इसके बाद रोवर उसमें से निकलकर चांद के अलग अलग जगह पर जाएगा, कुछ दूर चलेगा और वहाँ पर प्रयोग करेगा, चांद की सतह के वातावरण, मिट्टी, इन सब की जाँच करेगा। और ऑर्बिटर जो होगा वो चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए और लैंडर और रोवर पर नज़र रखेगा, उससे कनेक्शन भी रखेगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात थी। और एक एक लाइन जो भी मैंने बताया वो सब एक एक क्वेश्चन हो सकता है, तो इसलिए मैं कहता हूँ आप ध्यान से सुनना। और हाँ, इसका नोट्स जो है ना वो आपको मिल जाएगा PDF में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो नोट्स है। डिस्क्रिप्शन कैसे ओपन करते हैं? तो हेडिंग पर क्लिक करते हैं, ओपन हो जाता है डिस्क्रिप्शन। एक और बात बता दूं चंद्रयान 2 को लेकर कि साल 2008 में भारत ने चांद पर अपना पहला मिशन चंद्रयान 1 छोड़ा था, लेकिन तब भारत ने चांद पर क्रैश लैंडिंग कराई थी चंद्रयान 1 की, और उसको हार्ड लैंडिंग भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए थोड़ा डिटेल में मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन है, 200 वर्षों में पद छोड़ने वाले सबसे पहले जापानी सम्राट कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर है इसका अकी हितो। वो 125वें सम्राट थे जापान के। उन्होंने स्वास्थ्य और उम्र की संबंधित समस्याओं के कारण पद छोड़ दिया है 30 साल के शासन के बाद। ओके, उम्र है उनकी 85 ईयर। और उनके शासन को क्या कहा जाता है? तो हीसो शासन कहा जाता था उसको, उनको। ठीक है, उनके शासन को हीसो शासन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन जापान का नया सम्राट बना है? नई बात जो भी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको। आंसर होगा नारुहितो। वो अपने पिता अकीहितो के पद त्यागने के बाद ही सम्राट बन गए हैं। 59 ईयर के हैं नारुहितो, और उन्होंने एक समारोह में औपचारिक रूप से क्रिसेंथेमम थ्रोन यानी राजगद्दी का ग्रहण किया है। और इसी के साथ जापान में राजशाही का एक नया युग शुरू हो गया है, उसको कहते हैं रेइवा युग। रेइवा का मतलब होता है सुंदर, सौहार्द, मतलब हर राजा के समय में एक युग कहा जाता है, तो ये है रेइवा युग, ये भी ध्यान में रखना है आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा, हाल ही में कौन सी भारतीय निशानेबाज महिला 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं? बहुत फख्र की बात है भारत के लिए। आंसर होगा इसका अपूर्वी चंदेला।
ओके ISSF, जिसके बारे में मैंने कल क्वेश्चन पूछा था और आप में से बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिए हैं, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ओके इसका फुल फॉर्म मैंने आपसे पूछा था। तो उसने 1 मई को वर्ल्ड रैंकिंग जारी की है और इसमें भारतीय शूटर अपूर्वी चंदेला जो है वो महिला 10 मीटर एयर राइफल रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है और नंबर 2 भी इंडियन ही है महिलाओं के 10 मीटर इस प्रतिस्पर्धा में। तो दूसरे नंबर पे है अंजुम मौदगिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा किस देश के नोट को बैंक नोट ऑफ द ईयर 2018 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में। आंसर होगा इसका कनाडा। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक नोट सोसाइटी ने इसकी घोषणा की है और कनाडा में ही नोट के डिज़ाइन और आकर्षण को लेकर प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और जिसे पुरस्कार मिला है जिस नोट को वो $10 का नोट है, कनाडाई नोट है, उसको 2018 में ये जारी किया गया था और 2018 का ही बैंक नोट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये दुनिया का पहला वर्टिकल नोट है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि दुनिया का पहला वर्टिकल नोट कौन सा है जिसे बैंक नोट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, तो कनाडा का $10 का नोट। ठीक है, इस नोट पर सामाजिक कार्यकर्ता वायला डेसमोंड की तस्वीर लगी हुई है, छपी हुई है। वो जो थी वो कनाडा में नस्लीय समानता के लिए लड़ने वाली कार्यकर्ताओं में से एक हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा हाल ही में किस लेखक को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 दिया गया। आंसर होगा इसका राणा दासगुप्ता। उन्होंने एक उपन्यास लिखा था 2010 में, उसी के लिए ये सम्मान मिला है और उपन्यास का नाम था सोलो अ टेल ऑफ एस्ट्रेंजेंट एंड द अल्टीमेट फेलियर ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, उसके लिए ये पुरस्कार दिया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019। ओके, अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 4000 वर्ष पुरानी कब्रगाह की खोज की है, 4000 साल पुरानी। तो इसका आंसर होगा सनौली। ठीक है, ASI ने उत्तर प्रदेश के सनौली में ये खुदाई करवाई थी और वहीं पर मिली है 4000 वर्ष पुरानी कब्रगाह और बहुत सारे अवशेष भी मिले हैं। ओके, 4000 साल पुराने चावल मिले हैं, कोठरियाँ, बर्तन, इन सब भी ढूंढे गए हैं कब्रगाह के अलावा भी। ठीक है, ये जो कब्रगाह है वो हड़प्पा संस्कृति के अंतिम चरण के समकालीन बताया जा रहा है। यहाँ से 3 रथ, ताबूत, ढाल, तलवार, हेलमेट जैसी जैसा सामान भी मिला है। ये बताता है कि उस समय योद्धा वर्ग जो है वो अस्तित्व में था और वो लड़ते थे। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश की नौसेनाओं के संयुक्त नौसेना अभ्यास वरुण गोवा समुद्र तट के पास आयोजित किया जा रहा है, नौसैन्य अभ्यास वरुण। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा था 4-5 दिन पहले। ओके, तो आपने बताया भी था, इसका आंसर है फ्रांस। ठीक है, इंडो फ्रेंच सेनाएं जो हैं 1 मई से 10 मई, ये डेट आप ध्यान रखना। ठीक है, गोवा तट पर समुद्र के किनारे ये संयुक्त अभ्यास करेंगे और भारतीय नौसेना की ओर से इसमें जो बड़े बड़े जहाज हैं जैसे विमान वाहक जहाज हैं INS विक्रमादित्य, विध्वंसक है INS मुंबई, टेक क्लास फ्रिगेट है, INS तरकश है, सुषुमार क्लास पनडुब्बी है, INS शंगुल, दीपक क्लास फ्लीट टैंकर है, तो ये सब शामिल हो रहे हैं। और ये जो वरुण अभ्यास है वो द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है और उसकी शुरुआत हुई थी 1983 में और इसे 2001 में वरुण नाम दिया गया था। तो दोस्तों ये था 3 मई 2019 के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। देखिए 8 ही क्वेश्चन है, कल से कम 10 तो क्वेश्चन रहेंगे ही, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी और इसको मत सोचिए कि 8 ही क्वेश्चन है, इस 8 क्वेश्चन में ही कम से कम 15 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो अब कल मिलते हैं 4 मई को ठीक सुबह 6 बजे आपको मिलेंगे। आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत करना क्योंकि हो सकता है कि कल नोटिफिकेशन आपको ना मिल पाए। ओके, बाय बाय।